बोला कहाँ है? क्या बोला? ये बात है बहुत हाँप रही है तू। ये परेशानी है। बोला बोला क्या कर रही है? इस थाने में मैं बड़ा, मुझसे बोल। वो मुझे मंगलवार के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। बेइज्जती कर रही है तू, मेरी बेइज्जती कर रही है। छोटे मोटे लोगों कंप्लेन लेके नहीं आना मेरे पास। क्या? मैं बड़े बड़े डकैतों के कंप्लेन लिखता हूँ। मैं इस थाने में मैं बड़ा, छोटी मोटी कंप्लेन लिखाना तो कोने में बैठा है। बोला था उसके पास तकल उधर अरे रोमा तुम आओ आओ बैठो, कैसी हो तुम? बोला अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो है? और उस मंगल लोहार को ऐसा मजा चखाओ कि जिंदगी में किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, वो शादी के लायक भी ना रहे। अभी मेरे साथ चलो और उसे गिरफ्तार करो। बोला लेकिन उसने किया क्या है? किया क्या है? अरे उसने मुझे छेड़ा है और मेरा कैमरा भी छीन लिया है। अच्छा तो उसकी ये हिम्मत? तू फिक्र मत कर रोमा, कल मेरी पगार होने वाली है, मैं तुझे नया कैमरा खरीद के दूंगा। क्या? वो क्या है ना रोमा, कि हम ठहरे इज्जतदार लोग हैं, हमें गुंडे मवालियों के साथ मुंह लगना शोभा नहीं देता। हाँ। ये तुम कह रहे हो, एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है। देखो अगर तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो याद रखना भोला, जिंदगी भर तुम्हारा बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो हम आते हैं। एक मिनट, मेरे बहादुर सिपाहियों तैयार हो जाओ, हमें मंगल लोहार को गिरफ्तार करने जाना है। और अपने अपने साथ कफन के कपड़े भी ले जाना, क्या पता उधर मिले ना मिले। और साथ बगल में ना वो चंदन की लकड़ियां भी ले जाना। और मंगल लोहार से विनती करना भैया, हमें मार के हमारी बॉडी को इधर से जला देना। यू आर राइट साहब। अरे चुप कर राइट के बच्चे, क्या हो गया साले तुझको? क्या हो गया तुझको? इस लड़की के चक्कर में तू तो मर गई, 100% मरेगा। अबे क्यों मार रही है बे? रोमा ये नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये मेरा हुक्म है, तुम लोगों के सीनियर का हुक्म है, यू अंडरस्टैंड, फॉलो मी। चलो अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और गिरफ्तार करो उसे। अभी गिरफ्तार करता हूँ, जरा इसे फ्री तो होने दो, बहुत बिजी है अभी। हाँ अरे तुम जाओ। मंगल लोहार, मैं तुझे एक जर्नलिस्ट को छेड़ने और उसका कैमरा छीनने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा तो ये छमिया तुझे यहाँ लाई है? ओ शट अप, जुबान संभाल के बात कर। मेरे बहादुर सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, हथकड़ियां लगा दो इसको। हाँ लगी तो नहीं आपको? कैसे लगा आपको मेरा यह मजाक? मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना मंगल भाई, कि रोमा की मुझे कहने लगी कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मंगल भाई ऐसे आदमी नहीं है, वो तो एक शरीफ आदमी है, शहर के इज्जतदार इंसान है। वैसे मंगल भाई आजकल आप पुलिस स्टेशन नहीं आते, आप मुझसे नाराज है। वो क्या ना मंगल भाई, आप पुलिस स्टेशन नहीं आते ना तो मेरा दिल नहीं बहलता, कुछ सुना सुना सा लगता, आया करो ना मंगल भाई। मैं तेरा दिल बहलाता हूँ, तू यहाँ। हम लोगों की तो ऐसे मजाक चलती ही रहती है, क्यों मंगल भाई? ये भी बिल्कुल आपकी तरह मजाक करती है, क्यों रोमा? रोमा रोमा दो दिन से कहाँ गायब थी मेरी रानी, है? मैं कब से तुझे कैमरा देने के लिए ढूंढ रहा हूँ, दिल तो ले गई, कैमरा नहीं ले जाएगी? फिर पुलिस स्टेशन जा रही है, उस डरपोक पुलिस वाले के पास? माना कि उस दिन मेरे भोला ने तुझसे मार खा ली, लेकिन मैं उसमें हिम्मत और हौसला जगा कर रहूंगी, और देखना एक दिन वो तुम सबको मार के रहेगा। अच्छा इसका मतलब ये है कि उसके बहादुर बनने से पहले हमें अपने दिल के अरमान पूरे कर लेने चाहिए, हा?
चलो आज अपने दोनों के बीच का झगड़ा ही खत्म कर देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, तुझे छूने की तमन्ना में इतना दुबला हो गया ना कि तू बोलते मुझे छोड़ो। शेरो शायरी का मुझे भी शौक है, कुछ मेरे साथ भी हो जाए। शेर शेर नहीं सुनता, पंजा लड़ाता है। करता है तू, शरीफ इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। पालघाट की जमीन पर मंगल लोहार के खून का एक कतरा भी नहीं गिरा तक। तूने इसके खून की गटर बहा दी। You are right, sir. रेड ने रॉन्ग बात है। जगह में ले जाके गोली मार दे इसको। सर, पिछले 9 महीने से गोलियां खत्म हो चुकी है सर। क्या बात कर रहा है? अरे गोलियों को क्या जरूरत है, पत्थर मार मार के खत्म कर दे इसको। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या दिखाना चाहता है तू? इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह, स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच। शुक्र है इतना तो पता है कि सलूट कैसे मारा जाता है और किसको मारा जाता है। अब इस शरीफ आदमी को मैं उठाकर अंदर करूं या आप लोग थोड़ा कष्ट करेंगे? हम उठा दे, उठा दे, उठा दे, चलो उठा। इस पुलिस स्टेशन के बारे में जितना सुना था उससे भी बढ़कर पाया। थैंक यू सर। राणा जंग बहादुर, तलवार सिंह, शेर सिंह, शमशेर सिंह, हिम्मत सिंह, पटेल सिंह, इतना सारा नाम सुनकर तो गंगाराव को पालघाट छोड़कर चला जाना चाहिए था, पर गया क्यों नहीं? बेशरम है साहब जी। शट अप, वरना सस्पेंड कर दूंगा। ये हुलिया होता है पुलिस वालों का, ऐसी वर्दी पहनी जाती है। इसीलिए पालघाट में पुलिस की नहीं गुंडों की चलती है। यहाँ के सभी लोग दुखी हैं। आज माफ कर देता हूं, कल से अगर तुम लोग पुलिस वाले नजर नहीं आए तो पालघाट में भी नजर नहीं आओगे। ऐसा होता है पुलिस थाने का इंचार्ज? हाँ नहीं साहब जी, इंचार्ज तो बोर्ड साहब है, वही आगे करता धरता है, वही बड़े हैं। सारा पुलिस थाना साहब जी, हम तो सलूट मारते हैं जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। क्यों भाइयो, ये करने आप प्रॉब्लम है भाई, बताना बोले सबके बारे में, अभी बोलेगा नहीं हो रहा है। बस बस, मुझे किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा भोला साहब कहाँ है। ज्वाला सिंह। बोला तू ज्वाला सिंह? एहे ज्वाला सिंह, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ
तेरा सीनियर बन के आया हूँ सर। रिलैक्स, बड़ी खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। अरे मैं भी तेरे बारे में अक्सर पढ़ते रहता हूँ, लेकिन भाभी की मौत सुनकर बहुत दुख हुआ। बच्चा कैसा है? अच्छा है। काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, इतना बड़ा के दूसरी माँ की फरमाइश कर दी और मुझे दूसरी माँ लानी पड़ी। यानी कि नई भाभी भी है ये साथ में? साड़ आया मेरा, ऐसी बात नहीं है। भाभी मिलाएंगे। चला जा। बड़े साहब से ऐसे बातें नहीं करते। धक्का मत मार दू, तेरी बहन को हमेशा के लिए धक्का मार दूंगा मैं। धक्का मार रहा। कहाँ है सर जी, कहाँ है तू? जो रेड सर सामने क्यों बोल लिया? इसने यूटर्न ले लिया। यूटर्न कर लिया साले, यूटर्न कर दूंगा मैं। माला माला, इनसे मिलो, मेरा दोस्त खोला। नमस्ते। नमस्ते भाभी। मैंने इन्हें कहीं देखा है। मुझे एल्बम में मेरी पुलिस ट्रेनिंग की फोटोग्राफ। ओ, आप यहाँ पालघाट में? अरे पालघाट में इसकी ड्यूटी है, तुम यकीन नहीं करोगी। ट्रेनिंग के वक्त इतना शर्माया करता था जैसे इसका नाम है बोला। आज देखो, पालघाट जैसी खतरनाक जगह की चार्ज संभाल रहा। बड़ी बहादुरी की बात है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। चलो बैठो। हाय पापा। हेलो बेटे, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। भोला जी, हाँ जी। यहाँ तो आए दिन गुंडों और बदमाशों से आपका वास्ता पड़ता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो उनके साथ ऐसे ताल्लुकात हो गए जैसे कि खास जिगरी दोस्त हैं। हाँ। मुजरिम और दोस्त? नहीं नहीं नहीं, अब पुलिस वालों की जबान में मुजरिम को दोस्त कह रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम देखना माला, अपना ये भोला नाम एक दिन बहुत नाम पैदा करे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? चाय की कोई जरूरत नहीं है भाभी, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पालघाट में इतनी सर्दी पड़ती है और तुम्हें चाय की जरूरत नहीं? दरअसल यहाँ के मुजरिमों के नाम आते ही ऐसे पसीने छूटते हैं कि सर्दी का एहसास ही नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको गिरफ्तार करने में इतना जोश आ जाता है, इतना जोश आ जाता है कि सर्दी भाग जाती है। फिर भी आप कह रही है तो चाय पिला ही दीजिए। जी भोला, मुझे रंगा राव के बारे में पूरी जानकारी। कभी मुठभेड़ हुई? कई बार भाई। फिर क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, हम सब भाग जाते हैं। डर कर? नहीं नहीं बेटा, डर के नहीं, अब पकड़ने के लिए तो भागना पड़ता है, तो बस वो भागते हैं और हम भागते हैं, पर इसी में आज तक बात बनी नहीं और हम भाग ही रहे भाग ही रहे भाग ही रहे। बोला, पुलिस को तुम पर नाज है। यार दिल छोटा मत करना, हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि रंगा राव को एहसास हो जाएगा कि पालघाट की पुलिस सिर्फ भाग नहीं रही है, जाग भी रही है।